हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तो शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट बेटा आज हम बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस यस माय डियर सिक्स्थ सेमेस्टर बट साइकोलॉजी ओके तो साइकोलॉजी के अंदर बेटा आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ऑप्शन वन इज़ काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड ऑप्शन टू इज़ साइकोलॉजी एंड वेलबींग तो साइकोलॉजी एंड वेलबींग के रिलेटेड मेरे पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है जब भी मुझे जब जो ही मुझे सिलेबस मिल जाएगा आई थिंक किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था बट आई डोंट रिमेंबर दिस टाइम जो मुझे अभी वो मतलब आई कॉन्ट फाइंड आउट दैट बट जो ही मुझे वो मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू ओके तो बेटा आज हम बात करेंगे पेपर को समझने की कोशिश करेंगे देखो बिफोर यू अंडरस्टैंड बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑल द पेपर यू नो जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं लेकिन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले बेटा आपको याद हमेशा रखना है कि हमें पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके सिलेबस में हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स अगर आप देख सकते हैं छः है, है। थ्योरी के चार और प्रैक्टिकम के टू ओके तो इसमें कितने यूनिट्स है बेटा आप देख सकते हैं बिल्कुल चार यूनिट्स अवेलेबल है बिल्कुल सिंपल है चार यूनिट्स है तो यूनिट नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या देखना है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग आपको पढ़ना है और गोल्स गोल्स का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स ओके नंबर सेकंड आपको काउंसलिंग प्रोसेस पढ़ना है काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इन द काउंसलिंग प्रोसेस राइट एंड इट इज रिलेशनशिप रिलेशनशिप में क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान जो रिलेशन है उन दोनों को हमने समझना है क्लाइंट किसको बोलेंगे काउंसलर किसको बोलेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट एंड काउंसलर ये दोनों चीज़ें हमें समझना है बेटा ओके एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आता है दैट इज़ इथिकल इशूज़ ओके इथिकल इशूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज का मतलब यहाँ पे क्या है देखो जब हम काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं हम काउंसलिंग किसी बंदे को प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काउंसलिंग के लिए आ जाता है लेकिन काउंसलिंग करते करते हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है वॉट आर द मॉरल ड्यूटीज ऑफ द काउंसलर ओके टूवर्ड्स द क्लाइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो क्लाइंट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने कॉन्फिडेंस में रखना है क्लाइंट की डिग्निटी को आपको दिमाग में रखना है तो इसको हम मॉरल इथिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं या इथिकल इशूज़ कहते हैं ये हमें डिस्कस करना है इसमें ठीक है तो यूनिट नंबर सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है अप्रोच पढ़ने हैं देखिए अप्रोचेज में Uh, आप अगर आप ओवरव्यू देखेंगे बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्कूल अवेलेबल है उस साइकोलॉजिकल स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट तीन फोर्सेस को माना जाता है साइकोडायनेमिक बिहेवियरल एंड ह्यूमेनिस्टिक लेकिन यहाँ पे आपको बेटा चार चीज़ें पढ़ने हैं पहला आपको पढ़ना है साइकोडायनेमिक जो सिगमेंट फ्राइड ने दिया है और बिहेवियरल बिहेवियर में आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग यू नो ऑल दीज थिंग्स आपको पढ़ना है एंड देन यू हैव पर्सन सेंटर्ड पर्सन सेंटर्ड इज हयर ह्यूमेनिस्टिक काउंसलिंग ठीक है एंड देन यू हैव अनदर कॉगनेटिव बिहेवियल तो सी बी टी इसको कहते हैं कॉगनेटिव बिहेवियल थेरेपी तो ये भी हमें पढ़ना है किस में बेटा यूनिट नंबर सेकेंड में आई होप बेटा आपको अच्छे से सिलेबस की एनालिसिस आपको समझ में आ रही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो यूनिट नंबर थर्ड पे आते हैं क्या क्या पढ़ना है मिनट यूनिट नंबर थर्ड में बेटा आपको पढ़ना है आप देख सकते हैं यहाँ पे जी हाँ यूनिट नंबर थर्ड यूनिट नंबर थर्ड में आपको टेक्निक्स पढ़ने हैं बेटा टेक्निक्स में क्या क्या है प्ले आर्ट ड्रामा म्यूजिक योगा मेडिटेशन वेरी वेरी सिंपल वेरी वेरी सिंपल आपको बहुत मजा आएगा बेटा इनशाला जब हम ये स्टार्ट करेंगे वेरी सून वी वे आर गोइंग टू तो स्टार्ट दिस एंड यूनिट नंबर फोर में आपको क्या पढ़ना है जल्दी से बताओ अप्लीकेशन पढ़ने हैं यानी हम काउंसलिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपको एक पढ़ना है फैमिली काउंसलिंग मार्शल काउंसलिंग यानी रिलेटेड टू द मैरिज ओके कपल काउंसलिंग भी इसको कहते हैं करियर काउंसलिंग वोकेशनल काउंसलिंग भी इसको बेटा कहते हैं तो ये थे चार यूनिट्स जो आपको पढ़ने हैं किसमें साइकोलॉजी में लेकिन साइकोलॉजी में ना दूसरा ऑप्शन भी है जिसको कुछ वेल well बींग चले बेटा देखते हैं सॉरी तो जो ही मुझे मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद यू ओके तो आप फ़िलहाल आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपके इस सिलेबस में आपके पूरे सिलेबस में आपको खाली चार यूनिट्स पढ़ने हैं वल्ला बहुत ही सिंपल है ये खाली दस दिन का काम है दस दिन के अंदर सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा आपको पेशेंस रखने हैं बेटा क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है तो आप कमेंट में लिखते हो कि सर हमारा हमारा पेपर कब पढ़ाओगे ये वो एट्सट्रा मुझे बिल्कुल पता है मुझे कब कहाँ कैसे पढ़ाना है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लियरली जो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और जो आगे भी आपको एग्जामिनेशन में इन फिर इसमें मदद मिलेगी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे हफ्ते में तीन दिन हम <coughs> तीन दिन हम क्या करेंगे तीन दिन एजुकेशन तीन दिन साइकोलॉजी फिर संडे को अगर मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी एंड वेलबींग वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ खुश ओके बी हैप्पी एंड रिलैक्स थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग और हाँ एक बात तो आप भूल जाते हो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर मी इज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल एज मच एज़ पॉसिबल आप अगर कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में जो नए बच्चे आते हैं जिन्होंने हाल हाल में एडमिशन किया है तो उनको भी मेरी चैनल के बारे में काइंडली उनको इन्फॉर्म करो ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम बहुत बड़ी फैमिली बन जाए ओके तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा यू नो नाम कमा सकूँ नाम क्या कमाना है बट आ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ ठीक है ये मेरा ड्रीम है और ये ड्रीम तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे जब आप सपोर्ट करोगे तो तब ये पॉसिबल है और मुझे उम्मीद है बेटा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे और हमेशा आप मुझे दुआएं भी दोगे और मेरी चैनल को भी इन सपोर्ट करोगे करोगे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज़ लर्निंग